हे गाइस, आज इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने अभी तक सबसे बड़े मगरमच्छ केवल फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ ऐसे मगरमच्छ से जो दुनिया में सबसे बड़े हैं, और इनका साइज देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। कैसियस, खारे पानी में रहने वाला यह विशालकाय मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है। इसीलिए इस जानवर को हमेशा इंसानी निगरानी के बीच रखा जाता है, और इसके आकार की वजह से साल 2011 को इस मगरमच्छ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया था। इस मगरमच्छ ने एक खतरनाक लड़ाई के बीच अपना एक पैर और पूंछ का कुछ हिस्सा गंवा दिया था। यह दानव मगरमच्छ ऑस्ट्रेलिया ग्रीनलैंड में रहा करता था, जो आने जाने वाली नाव पर हमला किया करता था। इसीलिए 1987 को इसे फिनिश रिवर से लोगों ने पकड़ लिया। यह मगरमच्छ 5.48 मीटर यानी 17 फीट 11 इंच लंबा था, और ऐसा कहा जाता है कि इस मगरमच्छ की उम्र 110 साल थी। जॉर्ज क्रेग, जिन्होंने इस मगरमच्छ को पकड़ा और ख्याल रखा, वह पिछले 30 सालों से इस मगरमच्छ के साथ हैं, और कहते हैं कि मौका मिलने पर यह मगरमच्छ उन्हें भी खा सकता है। गुस्ताव, इंसानों पर हमला करने वाले इस मगरमच्छ का नाम गुस्ताव है, जिसे दुनिया का सबसे जानलेवा मगरमच्छ भी कहा जाता है। यह बुरुंडी में रहने वाला एक नाइल नर मगरमच्छ था, जिसने रुसीजी रिवर के किनारे 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मगरमच्छ को गुस्ताव नाम पैट्रिस वे नाम के एक हेरपेटोलॉजिस्ट ने दिया था, जो इस मगरमच्छ पर सन 1990 से स्टडी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। गुस्ताव नाम के इस मगरमच्छ को यह नाम कैप्चरिंग द किलर क्रॉक नाम की एक मूवी से मिला था, जिसे साल 2004 को रिलीज किया गया था। इस मूवी को डायरेक्ट करने से पहले गुस्ताव नाम के इस मगरमच्छ पर स्टडी की गई थी, पर आज तक कोई इस मगरमच्छ को पकड़ नहीं पाया। इसीलिए इसकी लंबाई और वजन आज भी कोई नहीं जानता, पर ऐसा कहा जाता है कि इस मगरमच्छ की लंबाई 6 मीटर यानी 20 फीट और वजन 1 टन से ज्यादा था, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक गुस्ताव 7.5 मीटर यानी 25 फीट लंबा था। यूतैन, यूतैन एक हाइब्रिड मगरमच्छ है, जिसका जन्म एसॉल्ट वाटर और साइमेसिक क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग से हुआ था। इस मगरमच्छ का जन्म 1964 का हुआ था, जिसका वजन 904 किलो और लंबाई 18 फीट है। इस मगरमच्छ को समूद प्रकान क्रोकोडाइल फार्म से पकड़ा गया था, जो कि बैंकॉक थाईलैंड से 20 किलोमीटर दूर है, और यह मगरमच्छ अभी एलिगेटर एडवेंचर पार्क में मौजूद है। यूटैन का बाइट फोर्स अभी नापा नहीं गया है, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह 5000 पाउंड पर स्क्वायर इंच के फोर्स से काट सकता है। ब्रूटस, खारे पानी में रहने वाले ब्रूटस नाम के इस मगरमच्छ के केवल 3 पैर हैं। यह मगरमच्छ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड नदी में रहता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रूटस ने अपना एक पैर बुलसार्क से हुई लड़ाई में खो दिया था। यह मगरमच्छ 5.6 मीटर यानी 18 फीट और 4 इंच लंबा है, जिसका वजन 1000 किलो के करीब है। क्रिस द सवाना किंग, कहानी के मुताबिक जुलाई 1958 को एक विशालकाय मगरमच्छ नॉर्मेंटन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था, और जिस आदमी ने इसे देखा था उसने इसे क्रिस नाम दिया, और उसने दावा किया कि यह मगरमच्छ 28 फुट 4 इंच यानी 8.64 मीटर लॉन्ग था, जिसकी नॉर्मेंटन में एक मूर्ति भी बनाई गई थी। यह मगरमच्छ अभी तक पकड़े गए किसी भी मगरमच्छ से ज्यादा बड़ा था, लेकिन जूलॉजिस्ट एडम ब्रिटन इस बारे में कहते हैं कि उन्होंने क्रिस को कभी सबसे बड़े मगरमच्छ में नहीं गिना, क्योंकि यह केवल कहानी का एक हिस्सा है और इसके कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। साथ ही किसी मगरमच्छ का इतना बड़ा हो पाना नामुमकिन है, इसीलिए इस कहानी पर विश्वास करने के लिए उन्हें किसी पुख्ता सबूत की जरूरत होगी। लोलोंग, यह मगरमच्छ 20 फीट 3 इंच लंबा था और इसका वजन 1000 किलो से ज्यादा था। यह इंसानों की निगरानी में रखा गया दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। ऑस्ट्रेलिया के क्रोकोडाइल एक्सपर्ट डॉक्टर एडम ब्रिटन ने जब नवंबर साल 2011 को लोलोंग को बेहोश करके नापा,
तब उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि लोलोंग इंसानों द्वारा पकड़ा गया दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। इस मगरमच्छ को ढूंढने में लोगों को 3 हफ्ते का समय लगा था और इसे पानी से बाहर निकालने में 100 लोगों ने मेहनत की थी। और जिन रस्सियों में इस मगरमच्छ को बांधा गया था उन्हें इस मगरमच्छ ने 2 बार तोड़ दिया था और इस मगरमच्छ की उम्र 50 साल थी, इसीलिए उसे ऐसा करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।